हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्लास इलेवन गुड मॉर्निंग. फर्स्ट वीडियो एमसीक्यू रिलेटेड, कंपटीशन रिलेटेड, पीएफ फर्स्ट वन एग्ज़ाम रिलेटेड मैंने अपलोड किया है. आप देखें किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, किस टाइप से क्वेश्चंस को आपको प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चंस को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चंस को जो है करेक्ट करके मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करने हैं. नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर टू अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए. इसके अंदर भी आपके पास में मिनिमम फर्स्ट वीडियो में 13 है और इस वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चंस का एक पूरा ब्रीफिंग पैकेट आपको दूंगा. इसमें आप अपने क्वेश्चंस को रीड करें, किस टाइप से आपको पीएफ फर्स्ट में तैयारी करनी है, कैसे स्टडी करनी है, ऐसे सारे पॉइंट आपको यहां पर फाइंड आउट हो जाएंगे. इसलिए क्लास 11 प्लीज अलाउड एंड प्लीज माय स्क्रीन. माय डियर स्टूडेंट, आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ. वो फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क्यू. टॉर्क्यू का डायमेंशन फार्मूला इज ऑप्शन ए m1 l2 t-2, ऑप्शन बी m1 l2 t-1, ऑप्शन सी m1 l-1 t-2, ऑप्शन डी m1 l-2 t-2. मैंने ऑप्शन सी और डी के अंदर एम पर पावर नहीं है तो अंडरस्टूड है, इस पर पावर वन है. ये कंफ्यूजन करने के लिए मैंने इस टाइप से आपको एमसीक्यूज दिए हैं. ओके, इसका करेक्ट आंसर है, कौन बताएगा मुझे जल्दी से बताएं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. टॉर्क्यू की जो डायमेंशन है वो m1 l2 t-2 रहेगी. सेकेंड क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू डेट. डायमेंशन ऑफ इंपल्स आर इक्वल टू डेट. तो फर्स्ट है प्रेशर, बी है लीनियर मोमेंटम, सी है फोर्स, डी है एंगुलर मोमेंटम. इंपल्स की डायमेंशन किसके इक्वल है? लीनियर मोमेंटम के इक्वल है. ओके, तो आपका आंसर होगा बी. ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बी है. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कॉन्स्टेंट इक्वल टू डेट ऑफ. डायमेंशन ऑफ प्लांक कॉन्स्टेंट, बहुत जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. प्लांक कॉन्स्टेंट इक्वल टू डेट, तो ऑप्शन है एनर्जी, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन डी पावर. तो प्लांक कॉन्स्टेंट की डायमेंशन इक्वल होती है एंगुलर मोमेंटम के. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए, किस टाइप से मैंने क्वेश्चन को बनाया है, किस टाइप से एमसीक्यूज बनेंगे, कंपटीशन के अंदर आप कैसे कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे, उसकी इस टाइप की क्वेश्चंस को मैंने आपके वेरियस पेपर से अपलोड कर करके, वेरियस पेपर पर डिस्कस करके, वेरियस पेपर पर स्टडी करके आपके लिए ये क्वेश्चंस फ्रेमिंग किया है. स्पेशली ये ऑफर क्लास 11 के लिए है. ओके, इसलिए आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए कि आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, Which one of the following pair of quantities has the same dimension? अब आपके पास में जो ऑप्शन है वो pairing form में है, तो physical quantity is the same dimension. First option है force and work done, second है momentum and impulse, C आपके पास में pressure and force, D है surface tension and stress. तो आपके पास में जो पेयरिंग के फॉर्म में जो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इक्वल डायमेंशन, सेम डायमेंशन, इट इज करेक्ट आंसर इज द, हु इज द गेस विच द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ यू. यदि आंसर आप बताएंगे तो आपको थोड़ा सा प्राइज भी मिलेगा. इट मीन्स प्राइज से साइंस है आपकी जो है आईक्यू लेवल को टेस्ट हो जाएगा. यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ रहा है, द मोमेंटम एंड इंपल्स. क्वेश्चन नंबर फाइव, ये टेबल से रिगार्डेड है. टेबल आपकी बुक्स में बहुत सारी दे रखी है. ओके, लेकिन ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करना और इस क्वेश्चन की टेबल के अकॉर्डिंग आंसर देना है. इसलिए द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज
9.1 के बाद माइनस के 31 kg। यस न्यूमेरिकल में यही वैल्यू यूज होती है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है दैट इट्स द मास इज द ऑर्डर ऑफ। अब आपका मास का ऑर्डर क्या होना चाहिए टेबल के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी बुक एनसीईआरटी बुक के अंदर टेबल के अकॉर्डिंग में टेबल दे रखिए 2.1 या 2.3, उसमें देखिए तो 10^-27, 10^-30, 10^-32, 10^-34। टेबल के अकॉर्डिंग और मास का ऑर्डर यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा 10^-30। ओके, लेकिन आप न्यूमेरिकल के अंदर जब भी आप इसको करेंगे तो इसको 9.1 × 10^-31 kg से ही कैलकुलेशन ड्रॉ करना। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजन जो है डेवलप करते हैं। मेरे ये क्वेश्चंस इसलिए मैंने आपके लिए रखा है कि मास इज ऑर्डर, मास का प्रॉपर ऑर्डर होगा वो 10^-30 होगा, लेकिन चाहे वो इलेक्ट्रॉन का हो, प्रोटॉन का हो, किसी भी केस का हो, लेकिन यदि हम न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो 10^-31 kg से ही कैलकुलेशन करेंगे। तो ये फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर एक 1 से 5 तक के क्वेश्चंस एमसीक्यू रिलेटेड आपको मैंने दिए हैं। इसको आप प्रॉपरली ढंग से यानी कि एकदम आप पूरे प्रिपरेशन के बाद में इसको स्टडी करें या पहले भी स्टडी करें, किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, मेरे साथ बने रहें। अभी नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चंस करेंगे 6, 7, 8, 9, 10। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 degree इज रेडियन, 1 degree इन रेडियन इज गिवन बाय, ये आपके पेलट्रक्स मेथड जो दे रखी थी, जो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो पेलट्रक्स मेथड का यूज कहीं नहीं है। ओके, सिर्फ स्टार प्लेनेट्स एक्सेट्रा को उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए उसको यूज किया जाता है पेलट्रक्स मेथड को। तो डिग्री इज इन रेडियन इज गिवन बाय, आपके पास में ऑप्शन है और ये ऑप्शन आपको अपने माइंड में रखना है। ए 1.7 × 10^-2 रेडियन, बी 1. ये पॉइंट है 1.236 × 10^-3 रेडियन, सी 0.768 × 10^-2 रेडियन, डी 3.14 × 10^-3 रेडियन। तो 1 degree इन रेडियन इज गिवन बाय, इज गिवन अस, तो आंसर है फर्स्ट, ये आपके माइंड में रखना कि 1 degree कोई रेडियन में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1.746 × 10^-2 रेडियन। ओके, ये मैंने एग्जांपल 2.1 से उठाया इसको, और एक क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, एरर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी, देयर आर ऑप्शन 12%, 10%, 8% एंड 2%। नाउ सॉल्यूशन दिस क्वेश्चंस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस टाइप की कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके पीए के अंदर, आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसको किस टाइप से सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व आउट करने के लिए एक सिंपल सा आपको हिंट के फॉर्म में एक जो स्पेस मिला है उस स्पेस के ऊपर ही आप उनको सॉल्व आउट करना है। तो यह आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यदि हम देखें तो वो होता है K = 1/2 mv², माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इसको परसेंटेज एरर के अंदर, एरर विच एरर, कोई एरर की वैल्यूज नहीं, आर नॉट गिवन इन काइनेटिक एनर्जी, तो देयर आर परसेंटेज ऑप्शन में दे रखे हैं। सो डेल्टा के अपॉन के इनटू 100%। ओके, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए तो 1/2 का कोई आपके पास में इसका जो फॉर्मूले में यूज नहीं होगा, इट मीन्स डेल्टा एम अपॉन एम इनटू 100%, और आपको मालूम है पावर को आगे लाया जाता है तो 2 ∆V/V × 100%, ये आपके पास में वैल्यूज रहती है। अब आपके पास में डेल्टा एम अपॉन एम इनटू
100% की वैल्यू है 2 प्लस 2, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास में 3, तो आपके पास में जो ऑप्शन आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो 2 प्लस 6 इट मींस 8%। कौन सा आंसर है? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसका सॉल्यूशन से जो आंसर आ रहा है वो 8% आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को, इस टाइप के एमसीक्यूज को सॉल्व आउट इस टाइप से आपको करना है और क्वेश्चंस को टिक करना है, क्वेश्चंस के आंसर को टिक करना है। ओके, सो मैं नेक्स्ट और भी मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, अगेन रिलेटेड, ए परसेंटेज से रिलेटेड है, परसेंटेज एरर से रिलेटेड है। द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज द 0.5 सेकेंड फॉर स्टॉप। द टाइम ऑफ 40 ऑसिलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 40 सेकेंड। द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड इज ऑप्शन ए 0.25%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 0.75%, ऑप्शन डी 1.25%। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑप्शन के क्वेश्चंस के लेके आ रहा हूँ, काफी हार्ड वर्क करके एक एक क्वेश्चंस को आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, इसलिए आप इसको वॉच करें और अच्छे कमेंट पास करके इस टाइप के वीडियो को और वायरल करें और मेरी एनर्जी को आप पॉजिटिव बनाएं, जिससे कि मैं आपके अच्छे अच्छे जो है वीडियोस कंपटीशन से रिलेटेड अपलोड कर सकूं। ओके, ये फ्री, एकदम फ्री कॉस्ट पर आपको अवेलेबल हो रहा है, आपसे सिर्फ मांगा जा रहा है इसके वायरल होने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में दें और आपसे सिर्फ एक ही डिमांड की जा रही है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वेवलेंथ डेवलप होगी मेरे अंदर, तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड के रिगार्डिंग में इस क्वेश्चंस के अंदर द लीस्ट काउंट स्टॉप वॉचिंग 0.5 सेकेंड है और ऑसिलेशन 40 ऑसिलेशन इसमें दे रखे हैं और इस 40 ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है आपके पास में 40 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच है वो डेल्टा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी को, और ये है 0.5 अपॉन 40 करेंगे, क्योंकि 0.5 जो लिस्ट काउंट आया उसको 40 ऑसिलेशन से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यूज यहाँ पर आपको लिखनी है और ये जो वैल्यूज आपके पास में आएगी वो 0.00012 सेकेंड यहाँ पर वैल्यू आएगी, चाहे तो डेसिमल रिमूव कर देना, नीचे जीरो आ जाएगा, फिर कट करके आंसर आपके पास आ जाएगा। और टी आपके पास में दे रखा है 40, ओके, अपॉन 40 ऑसिलेशन अपॉन 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड अपॉन 40 ऑसिलेशन तो वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। ओके, ये थोड़ा सा इस टाइप से डिफरेंट टाइप से था, इसलिए इसको इस टाइप से सॉल्व आउट करना है। अब आपका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपको डिफाइन करना है, तो परसेंटेज एरर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास में डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, ये आपको मालूम है, ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो गया। तो डेल्टा टी की वैल्यू 0.012 और इसके पीछे 5 और है 1 to 5 सेकेंड। ये सब कैसे मालूम पड़ा कि 0.12, अब ऑप्शन में कहीं नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में डी में दिख रहा है मुझे, इसलिए 0.15 आपको इसका आंसर करेक्ट है अपॉन 1 into 100। ओके, डेसिमल को हटाया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपने डेसिमल को कट किया तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1.25%। यस सर, यस, टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने का मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, इसके साथ में भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप इसको अपनी जो है कॉपी में डाउनलोड करना चाहे, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो आप अपने जो है मेमोरी में इसको जरूर रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉल्व आउट करेंगे। ओके, एक एक क्वेश्चंस पर काफी डिस्कस करने के बाद में YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ, इसलिए आपके ही लेवल के अकॉर्डिंग, कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं ये क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ रहे हैं।